तो आइए आज हम प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करते हैं ना। प्रायद्वीपीय भारत का पठार भू आकृतिक रूप से भारत को पांच अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी भारत में पांच अलग अलग तरह की भू आकृतियां पाई जाती हैं, है ना। हिमालय सबसे उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत के मैदान में प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थली भाग है, और प्रायद्वीपीय भारत के पठार के दोनों तरफ पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान है ना। इस तरह से हिमालय उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, राजस्थान का मरुस्थल, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान, इस तरह से भारत को पांच अलग अलग भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आज की इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे पठारी भारत का, यानी प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार यहां लिखा हुआ है। प्रायद्वीप का मतलब आप जानते होंगे कि कोई भी भूभाग स्थलखंड जो तीन तरफ से समुद्र या जल राशि से घिरा है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। एक त्रिभुज जैसा एरिया होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। जैसे भारत का जो दक्षिणी छोर है उसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। तो भारत का जो दक्षिणी छोर है वो तीन तरफ से सागर से घिरा है, इसलिए भारत के दक्षिणी भाग को हम भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो समतल नहीं है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो हिमालय की तरह ऊंचा पहाड़ वाला भी नहीं है। हिमालय का प्रायद्वीपीय भाग न समतल है न यहां पर ऊंचे पहाड़ हैं, बल्कि यह पठारी है, ऊबड़ खाबड़ है ना। इसकी संरचना जैसे किसी मेज या टेबल की तरह है, यानी ऊपर कोई शिखर नहीं है, इसमें उठा हुआ भूभाग है, ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन ऊपर से शिखर विहीन है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, या फिर इसे हम पठारी भारत भी कहते हैं। ठीक है। ऐसे तो मैंने बताया कि भारत में पांच अलग अलग भूआकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं, लेकिन इन पांचों भूआकृतिक प्रदेशों में आप जानते हैं कि सबसे पुराना और सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है, भारत की सबसे प्राचीन भूआकृति कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीन भूआकृति प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, यानी यही मूल भारत है। और ये मूल जो भारत है यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के बारे में आप परिचय जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बता दूं कि कैसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रारंभ में पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था, उस विशाल महाद्वीप का नाम था पैंजिया। वो पैंजिया जब विखंडित हुआ उस विशाल महाद्वीप का नाम क्या था? पैंजिया, है ना, पैंजिया। ये है पृथ्वी और इस पर ये है पैंजिया। ये क्या है? एक ही महाद्वीप था पैंजिया। पैंजिया ही अलग अलग भागों में विखंडित हो गया, जिससे वर्तमान सात महाद्वीपों का स्वरूप मिलता है ना। विखंडित होकर सात महाद्वीपों में बट गया, लेकिन शुरू में पैंजिया सात महाद्वीपों में नहीं बटा था, बल्कि ये केवल दो महाद्वीपों में बटा था, ऐसे बीच में क्रैक पड़ गया। तो उत्तरी भाग को हमने नाम दिया अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग को नाम दिया गोंडवाना लैंड। आप जब पृथ्वी के वर्तमान मैप को देखते होंगे, मानचित्र को, तो विषुवत रेखा के उत्तर में कुछ महाद्वीप दिखाई देते हैं, कुछ दक्षिण में दिखाई देते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में जो महाद्वीप दिखाई देते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, वो अंगारा लैंड के ही भाग हैं। यानी अंगारा लैंड भी बाद में विखंडित हो गया और गोंडवाना लैंड भी बाद में टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में विखंडित हो गया। अंगारा लैंड के टूटने से उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और गोंडवाना लैंड के टूटने से जो दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं, गोंडवाना लैंड के टूटने से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों का निर्माण हुआ। क्लियर। गोंडवाना लैंड का जो अवशिष्ट भाग बचा है उसको हम अफ्रीका महाद्वीप कह सकते हैं। यानी दक्षिण अफ्रीका, जो दक्षिण अमेरिका है वो भी अफ्रीका से ही टूटकर अलग हुआ है,
है ना, जो अफ्रीका के पश्चिम में आप देखते होंगे दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप और अफ्रीका को आप आपस में अगर समीप लाएं तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसा प्रतीत होगा, जैसे लगता है एक ही वस्तु के दो टुकड़े कर दिए गए, है ना। मैं बात कर रहा हूं अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की। इस तरह से अंगारा गोंडवाना लैंड के टूटने से एक तरह से अफ्रीका दक्षिण अमेरिका से अलग हो गया। इसी तरह से जो प्रायद्वीपीय भारत है ये भी अतीत काल में अफ्रीका से सटा हुआ था। जिस तरह से अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप टूटकर अलग हुआ, उसी तरह से प्रायद्वीपीय भारत भी अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो गया। एक मैप के तहत आप इसे समझ सकते हैं किस तरह से गोंडवाना लैंड का भाग है। आइए छोटा सा एक मैप बना लेते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि यह है अफ्रीकी महाद्वीप, कुछ ऐसा है अफ्रीका महाद्वीप, है ना। अफ्रीका महाद्वीप यहां पर प्रायद्वीपीय भारत था, यहां पर इसे सटा हुआ था, ऐसे था ये। बाद में ये टूट गया और अफ्रीका से टूटकर किधर प्रवाहित हो गया, उत्तर पूरब की तरफ। इधर उत्तर होता है और इधर पूरब होता है, है ना। इधर उत्तर, दक्षिण, पूरब और इधर पश्चिम। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का जो त्रिभुज जैसा क्षेत्र है ये अफ्रीका से सटा हुआ था और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो गया। और उत्तर पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, एशिया, और जाकर यूरेशिया यानी एशिया से टकरा गया। मतलब ये टकराने की घटना कोई क्षणों में या किस घंटे में या कुछ महीनों में नहीं हुई, ये प्रवाह करोड़ों वर्षों में हुआ। ये प्रवाह धीरे धीरे होता है, प्रतिवर्ष एक या दो सेंटीमीटर की दर से। तो प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित हो गया। इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत मूल रूप से किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का है। अब समझ में आया कि भारत में जो पांच प्राकृतिक भूभाग हैं, जैसे हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत या पठारी भारत, राजस्थान का मरुस्थल, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान, इनमें से सबसे पुराना, सबसे पहले निर्माण जिस चीज का हुआ था वह है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। क्लियर। अब प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, कैसे समझेंगे कि कहां से कहां तक प्रायद्वीपीय भारत है। मैप में तीन रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। जो लाल रंग का हिस्सा है वो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, जो कथई रंग का कलर होता है वो सबसे ऊंचा पहाड़ होता है, पीले रंग का जो हिस्सा होता है वो पठारी होता है, हरे रंग का जो क्षेत्र दिखाई देता है वो मैदान का क्षेत्र होता है, यानी समुद्र तल से हरे रंग का जो क्षेत्र है उत्तर भारत का मैदान। समुद्र तल से उत्तर भारत के मैदान की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि हरा है, इसीलिए हरा दिखाया गया है। जबकि पीला वाला जो हिस्सा है समुद्र तट से, समुद्र के तल से 600 से 700 मीटर ऊंचा हो सकता है, लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा हो सकता है। लेकिन जो लाल वाला हिस्सा है वो समुद्र तल से 3000, 4000 या 5000 मीटर भी ऊंचा हो सकता है, है ना। तो ये तो है हिमालय में दिखाया गया है लाल रंग से। प्रायद्वीपीय भारत का पठार इसमें आपको पीले रंग में दिखाया गया है। क्लियर। इसको अगर हम बाउंड्री अगर इसकी बनाई चाहे तो ये मैं इसकी बाउंड्री बना देता हूं, ये पीले रंग वाले हिस्से को मैं अलग कर देता हूं, है ना। फिर यहां पे शुरू हो गया है ये, फिर यहां पे स्टार्ट हुआ है ये, उसके बाद यहां तक चला गया है ये, यानी ये पूरा हिस्सा जो है पठारी भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है। बीच बीच में जो हरे वाले क्षेत्र आप देख रहे हैं, है ना, हरे वाले क्षेत्र जो है बीच बीच में गहरे क्षेत्र है, है ना, बीच बीच में घाटियां हैं, गहरे क्षेत्र है ये, मतलब नीचे क्षेत्र है। और जो पीले वाले हिस्से है वो आपको प्रायद्वीपीय भारत का पठार दिखाई दे रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का विस्तार कहां कहां तक है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ी स्थित है, है ना, यहां पे अरावली पहाड़ी। ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी सिरे पर विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, ये विंध्य पर्वत और यह सतपुड़ा पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पूर्वी हिस्से में छोटा नागपुर पठार है, उत्तर पूर्वी हिस्से में छोटा नागपुर पठार है। पठारी भारत के पश्चिमी छोर पर
पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी छोर पर पश्चिमी घाट पर्वत है और इसके पूर्वी छोर पर पूर्वी घाट पर्वत है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के सबसे दक्षिणी छोर पर अन्नमलाई पर्वत है। अन्नमलाई पहाड़ी ये सबसे दक्षिणी छोर पर है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि पठारी भारत या प्रायद्वीपीय भारत के पठार के सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन से है, तो है अन्नमलाई या उसके दक्षिण में कार्डामम और इलायची पहाड़ी, ये सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। ठीक है, यानी उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी, उत्तर में विंध्य पर्वत, उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट, पूर्वी भाग में पूर्वी घाट और सबसे दक्षिण में अन्नमलाई और कार्डामम पर्वत, कार्डामम पहाड़ी। इस तरह से अलग अलग संरचनाओं से प्रायद्वीपीय भारत का पठार घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बाहरी क्षेत्रों में जब आप देखते हैं तो हरे कलर के हिस्से नजर आते हैं। ये हरे कलर के हिस्से तटीय मैदान है, यानी समुद्र तट के पास कोई पहाड़ी या पर्वत या पठार नहीं है। समुद्र तट के पास जब आप देखेंगे तो बिल्कुल तटीय मैदान दिखाई देंगे। इस तटीय मैदान का निर्माण बहुत बाद में हुआ। पहले पठारी भारत अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, बाद में अवसादों के जमाव से तटीय मैदानों का, पूर्वी और पश्चिमी तट मैदान का निर्माण बहुत बाद में हुआ। यानी मूल भारत ये पीला वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, जो काले बॉर्डर से घिरा हुआ, यही मूल भारत है। क्लियर। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय राज्य के अंतर्गत शिलांग पठार है। उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय राज्य के अंतर्गत शिलांग पठार है, है ना। शिलांग पठार बहुत भौगोलिक रूप से हिमालय के नजदीक है, लेकिन शिलांग पठार हिमालय के नजदीक होते हुए भी यह हिमालय का भाग नहीं है। शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है, उत्तर पूर्वी विस्तार है। प्राचीन काल में राजमल छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी छोर पर, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी छोर पर राजमहल पहाड़ियां हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी छोर पर राजमहल पहाड़ियां स्थित हैं। प्राचीन काल में राजमहल पहाड़ियां उत्तर पूर्व में शिलांग पठार तक विस्तृत थी, यानी इनका विस्तार यहां तक शिलांग पठार तक था पूरा। ठीक है, लेकिन अवतलन के कारण बीच का भूभाग धंस गया, अवतलित हो गया। बाद में बीच का भूभाग धंस गया, मतलब नीचे खसक गया। बीच का भूभाग नीचे खसक जाने से बीच में गैप का निर्माण हो गया। इस गैप को गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ निक्षेपों से भर दिया गया, है ना। बीच में जिस गैप का निर्माण हुआ अवतलन के कारण, उस गैप को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने जलोढ़ निक्षेपों से ढक दिया। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? जब कोई नदी पहाड़ी क्षेत्रों से मिट्टी और बालू काट कर लाती है तो निचले भागों में उसे भर देती है। तो ऐसे ही अवसादों को जो नदियों द्वारा बहा कर लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। तो प्राचीन काल में कभी राजमहल पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में शिलांग पठार तक विस्तृत थी, लेकिन बीच का भाग भविष्य में बाद में अवतलित होकर नीचे धस गया और इस गैप को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से भर दिया गया, है ना। इसी कारण बीच के भाग में बांग्लादेश मैदान का निर्माण हुआ, बीच के भाग में बांग्लादेश मैदान का निर्माण हुआ। क्लियर। तो बीच भाग में जो गैप बन गया था उसे दो नामों से जाना जाता है, राजमहल गारो गैप, यहां राजमहल पहाड़ी है, और शिलांग पठार का सब पर तीन पहाड़ियां हैं। अगर ये शिलांग पठार है तो इस पे तीन पहाड़ियां हैं, एक दो तीन। सबसे पश्चिमी पहाड़ी को हम गारो कहते हैं, गारो, उसके पूर्व में है खासी और उसके पूर्व में है जयंतिया।
तीन पहाड़ियां हैं। तो सबसे पश्चिमी पहाड़ी इसकी है गारो, और यहां पर है राजमहल, यहां पर है गारो। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप कहते हैं, राजमहल गारो गैप। इसके अलावा इसे मालदा गैप भी कहते हैं, मालदा गैप। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां बांग्लादेश में मालदा नामक एक जिला है, बांग्लादेश में मालदा नामक बीचों बीच एक जिला है, इसी के नाम पर इसे हम मालदा गैप भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि पठारी भारत का ढाल कैसा है, क्या इसका ढाल केवल एक ही तरफ है या अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ढाल है। किसी भी भू क्षेत्र का ढाल, पठार का ढाल कैसा है, किसी भी भू क्षेत्र का ढाल वहां की बहने वाली नदियों से पता चलता है ना। नदी उसी दिशा में प्रवाहित होगी जिस दिशा में उस भूभाग का ढाल है। जैसे अगर गोदावरी नदी नासिक के समीप से निकलकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र का ढाल किस तरफ है? पूरब की तरफ है, पूरब या उत्तर दक्षिण पूर्व, पूरब या दक्षिण पूर्व। कावेरी नदी देख लेते हैं, कावेरी नदी यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दो तरह की दिशाएं यहां पर मिलती हैं, पूरब या दक्षिण पूरब, है ना। आइए इसे शुरू से देखते हैं। पठारी भारत का ढाल, किसी भी क्षेत्र का ढाल वहां पर प्रवाहित होने वाली नदियों से पता चलता है। उदाहरण के लिए, जो पठारी भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, पठारी भारत के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि यहां से निकलने वाली नदियां जैसे चंबल, कालीसिंध, बेतवा, सोन, फिर से बोल रहा हूं, यही कारण है कि पठार के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां जैसे चंबल, कालीसिंध, बेतवा, केन, ये सभी गंगा घाटी की तरफ प्रवाहित होती हैं, या फिर या तो यमुना नदी में विलीन हो जाती हैं या फिर ये गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पठारी भारत के उत्तरी हिस्से का ढाल गंगा घाटी की तरफ है, मतलब उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि यहां से निकलने वाली नदियां गंगा और यमुना नदी में अपना जल गिराती हैं। जबकि जबकि सतपुड़ा के दक्षिण में, यह सतपुड़ा पहाड़ी, ये क्या है, यहां पर है आपका सतपुड़ा पहाड़ी, ये पूरा सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार आपको दिखाई दे रहा है, ये है ना। जबकि सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में पठारी भारत का ढाल पूरब या दक्षिण पूरब की तरफ है, दक्षिण पूर्व की ओर है। यही कारण है कि सतपुड़ा के दक्षिण में जितनी भी नदियां निकलती हैं, है ना, यही कारण है कि सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में निकलने वाली नदियां जैसे स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, है ना, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, ये सभी नदियां पूरब या दक्षिण पूरब की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। क्लियर। हालांकि पठारी भारत का, इसलिए अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा
कि पठारी भारत का सामान्य ढाल क्या है, तो पठारी भारत का सामान्य ढाल, पठारी भारत का सामान्य ढाल ये आपसे पूछा जाएगा, उत्तरी भाग का ढाल गंगा घाटी या उत्तर की तरफ, लेकिन पठारी भारत का जो सामान्य ढाल है, या फिर पूछा जाएगा कि सतपुड़ा के दक्षिण में पठारी भारत का ढाल किधर है, या फिर पठारी भारत का सामान्य ढाल किधर है, तो सामान्य ढाल पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर है, पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर है। फिर आप उदाहरण बताएंगे कि यही कारण है कि सतपुड़ा के दक्षिण में जितनी भी नदियां पठारी भारत से निकलती हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। इसके विपरीत कुछ अपवाद भी है ना, इस सामान्य नियम के अलावा कुछ अपवाद भी दिखाई देते हैं। हालांकि पठारी भारत का ढाल पूरब या दक्षिण पूरब की तरफ है इधर, लेकिन इसके बावजूद पठारी भारत के बीचों बीच निकलने वाली दो ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित ना होके खंभात की खाड़ी या अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती हैं। हालांकि पठारी भारत का सामान्य ढाल पूरब या दक्षिण पूरब की तरफ है, इसके बावजूद पठारी भारत के मध्य से बीचों बीच से निकलने वाली दो नदियां नर्मदा और तापी बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित नहीं होती, बल्कि ये दोनों नदियां खंभात की खाड़ी या अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अच्छा, ये दोनों नदियां कहां, इसमें से तापी नदी बैतूल पठार से निकलती है और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा भ्रंश और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी भ्रंश। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा भ्रंश, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी भ्रंश है, और ये दोनों नदियां नर्मदा और तापी अपने अपने भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियां जिस भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं, उस भ्रंश घाटी का ढाल अरब सागर की तरफ है। क्योंकि दोनों भ्रंश घाटियों का ढाल अरब सागर की तरफ है, इसलिए इसमें प्रवाहित होने वाली दोनों नदियां खंभात खाड़ी या अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। जीएस फाउंडेशन बैच जो कि जिसके अंतर्गत की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, और यह बैच न केवल आईएएस बल्कि पीसीएस परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। यह बैच 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और इसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट 2 अक्टूबर की शाम 6 बजे है। स्कॉलरशिप टेस्ट का मकसद है कि फीस में जो बच्चे योग्य हैं, पढ़ने में तेज हैं और फीस पूरी नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम कुछ छूट देंगे। तो शाम 6 बजे 2 अक्टूबर को टेस्ट है, उस टेस्ट में आप किस तरह से भाग लेंगे, आपको आपका रिजल्ट कैसे पता चलेगा, आपको छूट किस प्रकार मिलेगी, ये सभी बातें नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी और आप टेस्ट देने में भी सक्षम हो पाएंगे। और बैच से संबंधित कोई भी जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि आप बैच के बारे में कोई जानकारी कैसे हासिल करेंगे। नेक्स्ट, हाँ, तापी नदी का मुहाना है। तापू नदी के मुहाने से लेकर कार्डामम तक, तापी नदी के मुहाने से कार्डामम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। तापी के मुहाने से लेकर कार्डामम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में पश्चिमी तट के बिल्कुल साथ साथ है। जो पश्चिमी तटीय मैदान हरे कलर का दिखाई दे रहा है, तो पश्चिमी घाट का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में पश्चिमी तट मैदान के बिल्कुल साथ साथ है। वही पूर्वी तटीय मैदान के साथ साथ पूर्वी घाट का विस्तार है, पूर्वी घाट पर्वत, ये दोनों पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत, ये दोनों पर्वत दक्षिण में नीलगिरी के पास आपस में मिल जाते हैं। ये दोनों पर्वत दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी के पास परस्पर मिल जाते हैं, जिससे एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। दोनों
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में आपस में मिल जाते हैं, इससे एक पर्वतीय घाट का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस पर्वतीय घाट को हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में है। इसे जब आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो इसका विस्तार तमिलनाडु इधर, कर्नाटक और पश्चिम में केरल राज्यों में है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में, यहां पे अगर मान लेते हैं कि नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में अनामलाई पहाड़ी और अनामलाई पहाड़ी के दक्षिण में कार्डामम पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में अनामलाई पहाड़ी और अनामलाई पहाड़ी के दक्षिण में कार्डामम पहाड़ी स्थित है। इस तरह से कार्डामम भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। इस तरह से आपने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत में कई तरह की संरचनाएं हैं, है ना, अरावली, विंध्या, छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन पठार, नीलगिरी पर्वत। तो प्रायद्वीपीय भारत को कुल 11 संरचनाओं में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। 11 संरचनाओं में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का अध्ययन 11 संरचनाओं के अंतर्गत किया जा सकता है। ये कौन कौन से हैं? पहला अरावली, मालवा पठार, तीसरा विंध्य पर्वत, चौथा सतपुड़ा श्रेणी, पांचवा छोटा नागपुर पठार, छठवां शिलांग पठार, सातवां दक्कन पठार, आठवां पश्चिमी घाट पर्वत, नवां पूर्वी घाट पर्वत, दसवां नीलगिरी पहाड़ी और ग्यारहवां अनामलाई पहाड़ी। प्रायद्वीपीय भारत का अभी तक हमने परिचय दिया, हमने इसका विस्तार बताया, उच्चावच बताया, ढाल बताया, कुछ संरचनाओं के बारे में मैंने आपसे बात की। प्रायद्वीपीय भारत का जो विस्तृत अध्ययन है वो इन 11 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगा। इन 11 शीर्षकों के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत की जो भी विशेषताएं आपको पढ़नी है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे प्रीलिम में या फिर मेंस में, मुख्य परीक्षा में भी यहां से आपसे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ इसी एक टॉपिक से मुख्य परीक्षा के, जब आप पिछले वर्षों का पेपर देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जब आप अध्ययन करेंगे तो चाहे वहां का उच्चावच हो, चाहे वहां पर बहने वाली नदियां हो, वहां का जो अपवाह तंत्र हो, उसके चलते वहां पर जो जल विद्युत या ऊर्जा का विकास हुआ है, जिस जल परिवहन या नहरी परिवहन का विकास हुआ है, या कि वहां के उच्चावच से प्रभावित होने वाली जो वर्षा हो, यहाँ की उच्चावच और ढाल को आप ढंग से और यहाँ होने वाली वर्षा को समझ लेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत से आपको अच्छे सवाल मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।